देखो ये प्योर घी, आपको स्मेल भी बहुत अच्छी है और इसका टेस्ट भी अच्छा है बहुत ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत हो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ दूध में से निकले हुई मलाई के घी। तो किस तरह से बनाऊंगी आपको दिखाते भी आपके सामने बनाऊंगी, देखिए। घी बनाना भी आसान है तो आप लोग को घर में ट्राई कर सकते हैं। किस तरह से बनाना आप लोग को मैं बताऊंगी। बहुत लोग को पता है, नहीं मालूम है, सुनो कुछ नहीं है रहते ना, इसलिए उन लोगों के लिए ये। तो मैं क्या करती, दूध उबालने के बाद है उसकी मलाई निकाल ले को मैं रोज़ है फ्रिज में है ना रख लेती हूँ। मुझे अच्छा खोटरा इतना खोटरा भरती मिले इस टाइम पर मलाई, उसे फिर मैं जामुन दाल को रख डालती हूँ। जामुन डालने के दूसरे रोज़े फिर इसे मस्का बना लेती हूँ। तो किस तरह बनाऊँगी देखिए आप लोगों, ये जामुन डाल के है मैं। तो देखिए किस तरह है जामुन डाल से मलाई। तो अब मैं इसका मस्का पानी डाल के निकालूंगी। पानी डाली मैं, अब ये मिक्सी में ग्राइंड करूँगी। अब ये पूरा मैं बनाने के बाद आपको निकालने का तरीका दिखाऊंगी। मिक्सी में मारने के बाद फिर उसे, ये बीटर है ना, आप ये बहुत काम की चीज़ है, इससे आप बीट करिए अच्छी तरह से, जब निकलेगा आपको बटर और मस्का। मिक्सी में अच्छा मारने के बाद ऐसा है ना बीटर से आप लोग है अच्छा बीट करो, ऊपर निकलता है देखो वोच मस्का। ये क्या होगा तो दूध के मलाई का मस्का, ये जामुन डाले तो निकलता सो ये। तो ये अच्छा मारे तो आप अच्छा उसका मस्का पूरा निकल जाएगा, अच्छा बीट करना, वो मोटा मस्का निकलेगा। फिर इस तरह से निकला तो देखो इस तरह से अबे पूरा निकाल लाना। 3/4 निकला मुझे, अच्छा निकला मस्का। होने का नहीं, ये जरा नमक डालने को पिए तो इसका टेस्ट भी बिल्कुल स्वाद है बहुत अच्छा रहता। तो अब मैं ये मस्के को पिघलाऊंगी, देखिए। तो देखिए इसे मैं चूल्हे पर रखी, मैं तेज रखी मैं आंचे। तो अब इसे गर्म करने रखती मैं, इसे अच्छा रेड कलर आ सका देखो। देखिए ऐसा उठते टाइम पर थोड़ा करे पाके इसमें डालो, इसका फ्लेवर भी अच्छा रहता। घी भी बास है, मुक्की बास है, वैसा नहीं है। इस तरह से उठते जब एक स्पून है ना आटा, गेहूँ का आटा आप लोग डालिए, इससे क्या है कहते हमारा घी अलग हो जाता। फुल सेक में ऐसा अच्छे रख के पकाना चाहिए, बाजू को में दाग लग गया तो भी परवाह नहीं, वो तो वेस्ट खाली। तो मेरा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना। खुदा हाफिज़।